नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमर और स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जहां पे हम बात करेंगे निसान मैग्नाइट के एक्सवी वेरिएंट की। ये नॉन टर्बो वेरिएंट अवेलेबल है दोस्तों आप लोगों के सामने। शायद ये कलर आपको किसी ने अभी तक दिखाया होगा। ड्यूअल टोन फिनिशिंग के साथ ये कलर यहाँ पे अवेलेबल है। पर्ल व्हाइट प्लस ब्लैक का यूज यहाँ पे किया गया है, आप देख सकते हैं। इस पर्टिकुलर वेरिएंट की जो रूफ है आपको वो ब्लैक फिनिशिंग में मिलेगी। साथ ही साथ कुछ और पॉइंट्स हैं ऐसे जो आपको ज्यादा इसमें देखने को अट्रैक्टिव लगेगी लुक्स। जब इसकी रूफ ब्लैक हो जाती है आप देख सकते हैं, ORVMs ब्लैक हो जाते हैं। साथ ही साथ जो आपके इसमें अलॉय व्हील्स आते हैं वो भी ड्यूअल टोन फिनिशिंग के साथ हैं, तो ये वेरिएंट देखने में काफी शानदार लगता है। इस कंप्लीट वीडियो में वॉकराउंड रिव्यू करेंगे इस वेरिएंट का, इंटीरियर में एक्सटीरियर में क्या क्या फीचर्स आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। अगर दोस्तों आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो सबसे पहले बात करेंगे गाड़ी के फ्रंट के बारे में कि फ्रंट में आपको क्या क्या फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ फ्रंट में आपको देखने को मिल जाती है इसमें हेलोजन हेडलाइट्स, साथ ही साथ यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। नीचे आपको एल शेप में DRLs मिल जाएंगे, LED DRLs हैं। साथ ही साथ फोग लैंप भी आपको अवेलेबल हैं। अगर बात करें फ्रंट ग्रिल की तो कंप्लीट आपको ग्रे कलर की यहाँ पे ग्रिल्स देखने को मिल जाएंगी और ग्रिल्स के दोनों साइड आपको देखने को मिलेगी क्रोम फिनिशिंग का यूज, जो कि काफी शानदार लगता है देखने में। अब ये पर्ल व्हाइट कलर है जो कि काफी अट्रैक्टिव लगता है देखने में। इस गाड़ी में आपको देखने को मिल जाएंगे 195/60 R16 अलॉय व्हील्स, ड्यूअल टोन फिनिशिंग के साथ ये अलॉय व्हील्स हैं। फ्रंट के दोनों टायर्स में आपको देखने को मिलेंगे डिस्क ब्रेक और रियर टायर में आपको देखने को मिल जाते हैं ड्रम ब्रेक्स। ब्लैक कलर के यहाँ पे आपको ORVMs देखने को मिल जाएंगे पियानो ब्लैक फिनिशिंग के साथ। यहीं पे आपको इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं क्रोम फिनिशिंग के साथ। यहाँ पे डोर हैंडल अवेलेबल है, साथ ही साथ इसमें रिक्वेस्ट सेंसर्स आपको मिल जाता है ड्राइवर साइड और को ड्राइवर साइड डोर में भी आपको रिक्वेस्ट सेंसर अवेलेबल है इस वेरिएंट के अंदर। ऊपर रूफ में आपको देखने को मिल जाएंगी इसमें रूफ रेल्स 50 kg पेलोड कैपेसिटी के साथ, और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स इसकी रूफ कितनी शानदार लग रही है ब्लैक फिनिशिंग के साथ। अब चलते हैं गाड़ी की बैक प्रोफाइल की तरफ और बात करते हैं बैक प्रोफाइल में क्या क्या फीचर्स अवेलेबल कराए। ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा हाई स्टॉप माउंट लैंप, रियर ग्लास में आपको देखने को मिल जाएगा डीफोगर, रियर वाइपर, और आप देख सकते हैं रियर स्पॉइलर की लुक भी काफी शानदार लग रही है ब्लैक कलर में। यहीं पे आपको देखने को मिल जाएंगे इसमें हेलोजन टेल लाइट्स, सेंटर में आपको देखने को मिलेगी मैग्नाइट की बैजिंग, और अगर बात करें इसके बैक बम्पर की तो दो रिफ्लेक्टर्स आपको बैक बम्पर में मिल जाते हैं। और इस वेरियंट में आपको देखने को मिल जाएगा एक रिवर्स पार्किंग कैमरा। 205mm का ग्राउंड क्लियरेंस इस गाड़ी का अवेलेबल है, जो कि काफी शानदार हो जाता है। एक बार मैं आपको कंप्लीट को ड्राइवर साइड प्रोफाइल दिखा देता हूं इस गाड़ी की, ताकि आपको एक लुक्स का पता चल सके कि ड्यूअल टोन फिनिशिंग के साथ ये वेरिएंट देखने में कैसा लग रहा है। अब चलेंगे इस गाड़ी के इंटीरियर में, उससे पहले मैं आपको दिखाऊंगा इस गाड़ी की की। दोनों ही रिमोट कीज आपको इसमें देखने को मिल जाती हैं। और चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर में और देखते हैं क्या क्या फीचर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। सबसे पहले बात करेंगे ड्राइवर साइड डोर की। यहाँ ड्राइवर साइड डोर में आपको चारों पावर विंडोज के कंट्रोल्स मिल जाएंगे, डोर लॉक अनलॉक का स्विच, यहाँ से आप अपने ORVMs एडजस्ट कर सकते हैं, और ये आपको एक स्विच दिया गया है इससे आप अपने इलेक्ट्रिकली फोल्ड कर सकते हैं ORVMs को, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया। अगर बात करें ड्राइवर साइड सीट की तो हाइट एडजस्टेबल सीट इसमें आपको देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छा फीचर है। फ्रंट की दोनों सीट में आपको देखने को मिल जाएंगे एडजस्टेबल हेड रेस्ट, और अगर बात करें सीट की कुशनिंग की तो वो भी काफी शानदार हो जाती है। इस वेरिएंट में आपको मिल जाता है टिल्ट एडजस्टेबल स्टीयरिंग। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको देखने को मिल जाएंगे ऑडियो के कंट्रोल्स, कॉल कनेक्ट डिस्कनेक्ट जैसे फीचर्स, और राइट हैंड साइड पे आपको कुछ एक्स्ट्रा स्विचेस मिल जाएंगे जहां से आप अपनी MID के कंट्रोल्स चेक कर सकते हैं। अगर बात करें इस गाड़ी की MID की तो इसमें आपको देखने को मिल जाएगी 7 इंच की TFT डिस्प्ले, आप देख सकते हैं ये आपकी यहाँ पे RPM रीडिंग हो जाती है, और सेंटर में हो जाता है आपका स्पीडोमीटर। इस वेरिएंट में आपको मिल जाती है 8 इंच की टच स्क्रीन, जो कि आपकी एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले जैसे फीचर्स के साथ अवेलेबल है। 4 स्पीकर्स 2 ट्यूटर इस वेरिएंट में अवेलेबल हैं। अगर बात करें और क्या क्या फीचर्स आपको मिल जाते हैं, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको देखने को यहाँ पे मिल जाता है, साथ ही साथ नीचे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन, यहां से आप अपना इंजन स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं। और इसी के नीचे यहां पे आपको देखने को मिल जाएगा एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, और उसी के जस्ट नीचे आपको एक USB पोर्ट भी देखने को मिल जाएगा, और काफी सारा स्टोरेज यहां पे अवेलेबल है फोन वगैरह रखने के लिए।
ये वेरिएंट आप लोगों को मिल जाता है 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ, जो कि काफी शानदार है। और अगर बात करें इस गाड़ी के इंजन के बारे में, तो इस वेरिएंट में आपको मिल जाता है 1000cc का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जो कि जनरेट करता है 71 bhp की पावर, 96 Nm का टॉर्क। दोस्तों और बात कर लेते हैं क्या स्टोरेज यहाँ पे अवेलेबल है, तो यहाँ आपको सेंटर में देखने को मिल जाएंगे 2 cup holders, कोई भी आर्मरेस्ट का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। अगर बात करें इसके IRVM की, तो डे नाइट रियर व्यू मिरर का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ऊपर रूफ में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी लाइट, आप यहाँ पे अपना देख सकते हैं लाइट है। साथ ही साथ अगर बात करें तो पैसेंजर साइड आपको वैनिटी मिरर देखने को मिल जाता है, और पैसेंजर साइड भी आपको एक वैनिटी मिरर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगर बात करें इस गाड़ी के ग्लोव बॉक्स की, तो काफी बड़ा स्पेस है इस ग्लोव बॉक्स के अंदर, आप देख सकते हैं काफी बड़ा स्टोरेज यहाँ पे अवेलेबल है ग्लोव बॉक्स में, जो कि काफी अच्छा फीचर है। दोस्तों अब चलते हैं इस गाड़ी के रियर सीट पर और चेक करते हैं रियर सीट पर क्या स्पेस अवेलेबल है। साथ ही साथ फ्रंट की जो ड्राइवर साइड सीट है वो मैंने अपनी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर ली है, मेरी हाइट है 5'11", और अब रियर सीट पर जाके इसका स्पेस चेक करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा स्पेस अवेलेबल है। और अगर बात करें अंडर थाई सपोर्ट की, तो अंडर थाई सपोर्ट भी काफी अच्छी है। पीछे आपको यहाँ पे कोई भी रियर एसी वेंट नहीं मिलते हैं, बट यहाँ पे कुछ स्पेस मिल जाता है, अपना पानी की बोतल वगैरह रख सकते हैं, अपना मोबाइल वगैरह रख सकते हैं। एक बार मैं आपको कंप्लीट इसके डैशबोर्ड की लुक दिखा देता हूँ। रियर में जब आप बैठेंगे तो कुछ डैशबोर्ड की ऐसी लुक देखने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं कि रियर सीट पे आपको क्या क्या देखने को मिल जाता है। रियर सीट पे आपको दोनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। यहाँ रूफ में आपको देखने को मिल जाएगी एक LED लाइट। आपको दोनों साइड लेफ्ट और राइट में मिल जाएंगे फोल्डेबल ग्रैब हैंडल्स। और अगर बात करें स्पेस की, तो कितने बंदे आराम से यहाँ पे बैठ सकते हैं, तो दोस्तों आपको ऑलरेडी मालूम ही है कि 2 adults और एक छोटा बच्चा किसी भी नॉर्मल हैचबैक या कोई मिनी SUV हो उसमें बैठ पाएंगे। 3 बंदे तो मुश्किल है कोई बैठ पाए। XUV300 एक ऐसी गाड़ी है जिसके अंदर 3 बंदे रियर सीट पे कंफर्टेबल बैठ सकते हैं। तो दोस्तों अब करते हैं इस गाड़ी के बूट की तरफ मूव और देखते हैं कितना बड़ा बूट यहाँ पे अवेलेबल है और बूट में आपको क्या क्या फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। तो चलते हैं गाड़ी के बूट की तरफ। दोस्तों 336 लीटर का बूट स्पेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ इस पर्टिकुलर वेरिएंट में आपको देखने को मिल जाएगी एक रियर पार्सल ट्रे। अगर बात करें और क्या क्या फीचर्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, तो आप देख सकते हैं एक हेलोजन लाइट यहाँ पे अवेलेबल है बूट में, जो कि काफी हेल्पफुल हो जाती है रात के टाइम। एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा, XV वेरिएंट के अंदर जो आपकी रियर सीट है ये 60-40 स्प्लिट में है, जो कि काफी अच्छा फीचर एक हो जाता है। दोस्तों मैंने आपको कंप्लीट गाड़ी दिखा दी है, इंटीरियर से भी एक्सटीरियर से भी। बस इंटीरियर में एक छोटी सी कमी रह गई कि वहां पे रोशनी की थोड़ी कमी थी, क्योंकि यहाँ पे लाइट अवेलेबल नहीं है जहाँ पे ये गाड़ी खड़ी थी। बट इस वीडियो को बनाने का मेन मुद्दा मेरा यही था कि मैं आपको मैग्नाइट का ड्यूअल टोन कलर दिखा सकूं। और अगर अभी तक आपने मैग्नाइट के नॉन टर्बो इंजन का माइलेज टेस्ट नहीं देखा है, तो आप वो भी जाके देखिए, चैनल पर अवेलेबल है। 4 बंदे बिठाने के बाद गाड़ी की क्या परफॉर्मेंस है, ओनर ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, वो भी चैनल पर अवेलेबल है। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।